राजस्थान में 15 अक्टूबर से पोस्ट मॉनसून की बारिश शुरू हो सकती है। दरअसल उत्तर भारत में आज एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हुआ। इस सिस्टम के बाद दो अन्य बैक टू बैक सिस्टम आ रहे हैं। इन तीनों सिस्टम के असर से उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में बारिश शुरू होगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आज जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हुआ उसका राजस्थान में असर 14-15 अक्टूबर से देखने को मिल सकता है। गंगानगर हनुमानगढ़ एरिया में कल दोपहर बाद आसमान में बादल छा सकते हैं। 15 अक्टूबर से यहां बारिश शुरू हो सकती है। जैसे जैसे तो अन्य सिस्टम नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे राजस्थान के दूसरे अन्य जिलों जैसे झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, अलवर, नागौर, अजमेर, जयपुर के कुछ हिस्सों में भी मौसम में बादल होने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर भारत में तीनों सिस्टम से न केवल बारिश होगी बल्कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल भी होगी। ये सिस्टम जब 20-21 अक्टूबर को आगे निकल जाएंगे उत्तर भारत से ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में आनी शुरू होगी। इससे पंजाब हरियाणा में रात का मिनिमम टेम्परेचर से बड़ी गिरावट होगी। इससे यहां सर्दी का आगाज होगा। दिल्ली, उत्तरी राजस्थान के साथ उत्तर पश्चिमी यूपी में भी सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट होगी। इधर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से राजस्थान के कई शहरों के तापमान में उतार चढ़ाव शुरू हो गया। सीकर, उदयपुर में रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। सबसे कम तापमान बीती रात सिरोही में 16.5 डिग्री सेल्सियस जबकि पश्चिमी राजस्थान में हनुमानगढ़ में 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इधर जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, फलौदी, पिलानी और अजमेर में बीती रात तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। कल फलौदी में सबसे ज्यादा गर्मी रही जहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहा।